राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा के सेक्टर 39 की कोठी नंबर E59 मंगलवार की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठी। मंगलवार की रात एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर और उसके परिवार पर उस वक्त गोलियां बरसाई जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। इस अंधाधुंध फायरिंग में अजय खुराना की पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि खुराना की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना में अजय खुराना का नौकर राजू भी घायल हुआ है। और यहाँ पर अजय खुराना जी यहाँ पर सेक्टर 39 में रहते हैं, करीब 10:30 के आसपास। एक उनके ही जान पहचान का व्यक्ति है, अभी पता चल रहा है कि उनका उसका अपना बिजनेस फ्रेंडशिप है उनसे। वो वहाँ पर आया और आने के साथ ही उसने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। सबसे पहले जैसे ही उसने घंटी बजाई तो नौकर आया, नौकर ने गेट खोला, उसमें उस पर खुखरी से, उसके पास एक खुखरी थी जो कि उसने रिकवर कर ली है, वो खुखरी से अटैक किया। नौकर बाहर की तरफ पार्क में भागा, उसके बाद वो अंदर पहुंचा तो यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन लोगों पर उसने जो है आते ही शूटिंग शुरू कर दी। तो अभी उसमें जो इंजर्ड थे जो मिस्टर खुराना जो उसके घर के मालिक हैं वो तो आउट ऑफ डेंजर हैं, और जो उनका बेटा और उनकी पत्नी थी वो दोनों एक्सपायर हो गए, दोनों को गोली लगी। घायल अजय खुराना और उनके नौकर खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।